हे गाइस, आज मेरे पास में है सेकंड हैंड एलईडी मॉनिटर। तो चलिए आज इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स के साथ में मिला हुआ है, जो कि प्लस पॉइंट है हमारा। और चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसका फर्स्ट लुक देखने के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। तो इधर से है तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो ज्यादा ही तबाही अनबॉक्सिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो मॉनिटर और इसके साथ ये इसको सेफ रखने के लिए थर्माकोल, और इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके साथ में और क्या मिला है हमें। तो ये इसका स्टैंड है, ठीक है, और एक यूजर मैनुअल, और बाकी वारंटी कार्ड तो हमें ऑनलाइन मिल चुका है व्हाट्सएप पे, जो कि सामने भैया ने हमको व्हाट्सअप कर दिया है। और ये यूजर मैनुअल है, बहुत ही बेकार सा मुड़ा फूड़ा है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये है हमारा मेन मॉनिटर है, और इसका स्टैंड मिला था। तो ये स्टैंड है और ये क्लिप हो जाता है सिंपली। इसको यहाँ पे रखना है और थोड़ा सा प्रेस करना है और ये हो चुका है। थोड़ा पीसा हुआ शायद, और इसको सिंपल यहाँ से प्रेस करके पूछा भाई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये नहीं हो रहा है, रहने तो तुमसे ना हो पाएगा। हाँ अच्छा, अंदर सेट करना था। तो ये सिंपल ही निकल चुका है। अब फिर इसको माउंट करते हैं सीधा। ये सीधा है और ये गया अंदर, हो गया। हाँ अब तो चलो अब इसको कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं इसका पैनल की ब्राइटनेस कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए गाइस, इसको अब हम अपना सेटअप लगा के देखते हैं सीपीयू में और फिर आपको दिखाते हैं इसका रियल व्यू। चलिए दिखाते हैं। तो गाइस कनेक्ट करने से पहले मैं आपको पोर्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मिलता है वीजे पोर्ट, और उसके जस्ट साइड में है एचडीएमआई का पोर्ट, और यहाँ पे मिलेगा पावर अडेप्टर, और ये सारी इसके बटन्स है जो कि इसके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस और बाकी का सिस्टम। और ये इसमें ऑडियो के लिए दिया तो है, बट इसमें पोर्ट्स ही नहीं दिया है। ओ चूना लगा दिया। तो ठीक है गाइस, अब इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये गाइस पावर केबल है, इसका एक एंड मैंने स्विच बोर्ड में डाल दिया, और ये इसका एक एंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और ये वीजीआई केबल है, तो वीजीआई केबल को वीजीआई के पोर्ट में डालेंगे और इसको अच्छे से इंश्योर करेंगे कि ये सही से फिक्स हो। ये अच्छे से हमने फिक्स कर चुका है, और अब बारी इसको पावर देने की और सीपीयू को पावर देने की। फिर इसको हम देखेंगे ऑन करके। तो सिंपली मैं आपको दिखाने के लिए साइड में रख देता हूँ मॉनिटर को, और पावर देंगे पहले। तो पहले मैं सीपीयू ऑन नहीं करूंगा, पहले मैं इसका मॉनिटर को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अभी नो सिग्नल है, हमारा सही कंडीशन में है, और हमने सीपीयू को ऑन किया। आप ये स्क्रीन को देख सकते हैं, फोटो सारे एचडी फोटोज है, और इसका क्लियरिटी देख सकते हैं, जो कि ये अपने प्राइस रेट में बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया है फ्रंटेक कंपनी ने। आपको चेंज करके भी दिखा सकते हैं, इसके आप कलर्स देख सकते हैं। कलर्स इस प्राइस में ये देना बहुत ही बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। सो गाइस, इस फ्रंट टेक एलईडी मॉनिटर के जान लेते हैं कुछ स्पेक्स।
तो सबसे फर्स्ट इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 19 इंच का है। इसका आइडियल रेजोल्यूशन है 14x900। बैक लिट मिलेगा आपको एलईडी में और इसका व्यूइंग एंगल है 150 डिग्री टू 130 डिग्री। रिस्पांस टाइम इसमें आपको मिलेगा 2 MHTR से 6 MHTF तक और इसमें नंबर्स ऑफ कलर्स है 16.7 मिलियन। और पावर सप्लाई की जहां पे बात होती है तो इसका पावर सप्लाई है AC 180 टू 255 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे और इसका पावर कंजप्शन है 21 वोल्ट। इस पूरे डिवाइस का नेट वेट अगर की बात करें तो इसका नेट वेट है 2.97 kg। सो गाइस अब आते हैं इसके रिव्यू में। तो गाइस ये मॉनिटर अपने प्राइस रेंज का सबसे बेस्ट मॉनिटर है अपने प्राइस में। और इससे पहले हमने बाय किया था LCD मॉनिटर था वो, और उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम और इशू थे, इसलिए हमने इसको LED मॉनिटर को बाय किया है। और इन दोनों का कंपेयर जब हमने किया तो वो जो था वो फ्लिकर करता था अपने एक हिसाब से, और उसमें जो ब्लैक कलर्स थे वो क्लियर नहीं आते थे, एक्चुअल ब्लैक कलर नहीं आता था। जैसे कि मैं आपको फोटोज में दिखाता हूँ, जैसे इसमें हम ब्लैक कलर पे जूम करेंगे तो ये एक्चुअल ब्लैक है, बट LCD मॉनिटर में ऐसा नहीं होता। LCD मॉनिटर में जो होता है वो क्रिएट किया हुआ रहता है, और इसमें जो है LED मॉनिटर है इसलिए इसके LED ऑफ है और ये एक्चुअल में ब्लैक दिखता है। जो भी डार्क आप कलर देखोगे वो रियल दिखता है। जो LCD मॉनिटर है वो मॉनिटर हमको पड़ा था 3500 अराउंड का, और ये जो मॉनिटर है उससे कम प्राइस में मिला है, ये सिर्फ 3000 में मिला है हमको OLX पे। और उसका जो हाइट था वो LCD मॉनिटर का हाइट 1/2 इंच तो कम था इससे, और ये जो है 1/2 इंच से ज़्यादा है हाइट में, मतलब इसके पिक्सल्स उस वाले मॉनिटर से ज़्यादा है और इसका रेजोल्यूशन भी उससे बहुत अच्छा है। बिगिनर आप अगर कोई सेटअप कर रहे हो और आपको गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर और कोई फोटो एडिटिंग जैसे रिलेटेड वर्क है तो आप इस मॉनिटर से आप कर सकते हैं, अपना स्टार्ट इस मॉनिटर से एटलीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसका मॉडल मैं आपको मॉडल फ्रंटेक 1984 मॉडल के साथ आप जा सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग लेवल में कम बजट में अगर PC बिल्ड करना है। तो गाइज ये है इस मॉनिटर का फुल वीडियो प्लस रिव्यू, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी बात दिल में हो तो उसको कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय।